तो कई बार क्या होता है कि कंफर्म टिकट लेने के लिए कई पैसेंजर 2-3 महीना पहले ही अपना ट्रेन टिकट बुक कर लेते हैं, लेकिन दोस्तों कई बार क्या होता है कि ट्रेन टिकट बुक करने के बाद वो ट्रेन ही उस डेट को, जिस डेट को आपने टिकट बुक किया है, जिस डेट को आप सफ़र करना चाहते थे, उस डेट को ट्रेन ही कैंसिल हो गया है। तो दोस्तों इस स्थिति में क्या होगा, क्या ट्रेन का पैसा मिलेगा, कितना मिलेगा, कब मिलेगा? दोस्तों अगर आपका भी ट्रेन कैंसिल हो गया है जिस डेट को आप सफ़र करना चाहते थे, तो दोस्तों इससे जुड़े सभी सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर आपका भी ट्रेन का टिकट कैंसिल हो गया है तो आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग अगर कुछ कर देते हैं तो उसका इस कंडीशन में पैसा कट जाता है और जितना पैसा मिलने को रहता है उससे उतना नहीं मिल पाता है। तो दोस्तों देखिए, अगर आपका ट्रेन का टिकट कैंसिल हो गया है तो उसे आप कुछ मत करिएगा, ठीक है? कई लोग क्या होते हैं कि कैंसिल कर देते हैं, कैंसिल कर दीजिएगा तो दोस्तों आपका कैंसिलेशन चार्ज कट करके आपको पैसा वापस आएगा। तो दोस्तों आपको सबसे पहली बात, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ इंतज़ार करना है, आपको कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं है, पैसा आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो दोस्तों देखिए, दोस्तों अगर आपने टिकट बुक कर लिया है और वो टिकट कन्फर्म हो या फिर RAC हो या फिर वेटिंग लिस्ट हो, और अगर वो ट्रेन कैंसिल हो गया है तो दोस्तों आपको घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, आपका पैसा 100% वापस आ जाएगा। पहला यहाँ पर हम क्वेश्चन लेते हैं कि पैसा वापस कितना आता है। तो दोस्तों देखिए, पैसा वापिस आपको जब आप ऑनलाइन टिकट बुक किए हैं तो जितना टिकट का अमाउंट रहेगा ओरिजिनल अमाउंट, वो अमाउंट आपको पैसा वापिस आएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको टैक्स चार्ज, कन्वीनियंस चार्ज, इंश्योरेंस चार्ज, पेमेंट गेटवे चार्ज, ये सब आपको नहीं मिलने वाला है। चाहे मान के चलिए पटना जंक्शन से न्यू दिल्ली जंक्शन के लिए टिकट का प्राइस 510 रुपया है और 500 तो आपको 510 रुपया ही आएगा, 510 रुपया से एक्स्ट्रा जो भी कटा होगा 10 से 15 रुपया आपको टैक्स चार्जेस, वो सब आपको नहीं मिलने वाले हैं, लेकिन 510 रुपया आपको मिल जाएंगे। दोस्तों अब बात आता है कि पैसा लेने के लिए हमको कहीं जाना पड़ेगा या फिर पैसा बैंक में आएगा। तो दोस्तों पैसा लेने के लिए अगर आपने ऑनलाइन बुक किया है, जिस पेमेंट मेथड से आपने बुक किया है, आपको पैसा लेने के लिए कहीं नहीं जाना पड़ेगा, ये पैसा आपके ऑटोमेटिक बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। तो दोस्तों आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा, जिस मेथड से आपने बुक किया है आपका पैसा उसी मेथड के द्वारा आपके बैंक में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। दोस्तों अब तीसरा बात आता है कि ये पैसा हमको मिलेगा कब। तो दोस्तों देखिए इसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। मान के चलिए अगर आपका भी ट्रेन का जर्नी जो है 1 महीना पहले ही कैंसिल हो गया है, तब आपको वेट करना पड़ेगा उस तारीख को। जैसे ही उस दिन आएगा दोस्तों, उसके बाद 2 से 3 दिन आपको और वेट करना पड़ेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, नॉलेज मिला है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।